बेड का और खाने का टाइम हो गया है, तो तैयारी करते हैं फटाफट खाना की। खाने में क्या बन रहा है? खाने में बन रहा है आज बटर पनीर मसाला, बटर पनीर मसाला, खीर एंड चपातीस। पूरी बना लेते पर पापा पूरी नहीं खाते हैं, ऑयल नहीं खाएंगे वो, इसलिए चपाती ही बनाएंगे हम सबके लिए। रोटी और उसके बाद भी काफ़ी सारी चीज़ों की तैयारी करनी है। और टाइम तो आज उड़ रहा है, रोज़ टाइम नहीं जाता और आज टाइम रुक नहीं रहा है। और आप लोगों ने देख लिया होगा कि श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की अवधि संपूर्ण हो चुकी है, तो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। और इसका सारा श्रेय राम मंदिर बनने का और ये सब जो शुभ अवसर हमारी जनरेशन को देखने को मिला है, इस सब का श्रेय जाता है हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को, तो बहुत बहुत शुक्रिया। ये वीडियो कहीं कभी नहीं पहुंच पाएगी उन तक, और फिर भी मेरी तरफ से तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें ये दिन दिखाया। तो यहाँ पर मैं कट कर रही थी हरी मिर्ची, क्योंकि पकौड़ी में ऐड करनी थी, तो काफ़ी सारी ऐड करी, मतलब काफ़ी सारी कट करी मैंने यहाँ पर, आप लोग देखेंगे आगे। और थोड़ी बहुत जो तैयारी है वो भी आप लोग के साथ शेयर करनी है, प्रॉपर तो रेसिपी वगैरह शेयर नहीं करी है मैंने किसी की चीज़ से, इतनी टाइम ही नहीं था, बहुत जल्दी भी टाइम जा रहा था। ये थे कुछ नीम के पत्ते, मीठे नीम के जो पकौड़े में देखते थे, बहुत टेस्टी लगते हैं। सब्जी बनकर हो गई थी रेडी, पनीर बटर मसाला और फटाफट बनाई चपातीस और प्लेट लगा कर दिखाई आपको। खाना पीना वगैरह सब हो गया है, किचन बिल्कुल टॉप हो गई है, तो मैं यहाँ दिखाती हूँ आपको। रुको, पहले पूरी सेटिंग हो चुकी है कीर्तन की, लाइक दिस। तो कीर्तन शुरू होने वाला है, 3:45 हो गया, मैं 3:45 से पहले एक, मतलब कीर्तन शुरू होने से पहले एक रंगोली बना लेती हूँ फ्लावर्स की। क्या बनाती हूँ मुझे नहीं पता, वो आप लोग आगे देखना, देखती हूँ क्या बनता है। यहाँ पर आ गई थी कीर्तन मंडली फॉर द कीर्तन, और उसकी थोड़ी बहुत तैयारियाँ चल रही थी, क्योंकि काफ़ी कुछ तैयारियाँ होती हैं कीर्तन होने से पहले, दरबार वगैरह लगाना पड़ता है, तो बस उसी की तैयारी चल रही थी। कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे मम्मी भूख लगा रही थी, तो कीर्तन वगैरह सब हो गया है और आज विराजमान रहेंगे यहीं पर माता रानी, शिव जी, बिहारी जी सब। तो आप लोग भी दर्शन कर लीजिए, पास से करा रही हूँ मैं दर्शन बिल्कुल। स्वामी चलते हैं ऊपर, दिए लगा लेते हैं। किचन वगैरह मैंने पूरा साफ कर दिया है मम्मी ने और मैंने दोनों ने मिलके, तो अभी जाते हैं ऊपर, दिए वगैरह लगाएंगे। और यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि सबने अपने घर में दिए लगाए थे और भगवा रंग का झंडा भी लगाया था और काफ़ी उन्हें लड़ियाँ भी लगाई थी, तो हम भी आ गए थे छत पर अपनी दिए लगाने के लिए।
दिए वगैरह भी लगा दिए हैं हमने आज अपनी पूरी छत पे, देख सकते हैं। कुछ लोगों ने लड़ियां भी लगाई हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। तो अभी मैं मिल रही हूँ आप लोगों से बहुत देर के बाद और मैं बैठी हूँ इस व्लॉग को एंड करने के लिए। तो कीर्तन वगैरह सब हो गया है, बहुत मतलब बहुत आई डोंट नो आप लोगों का, आप लोगों में से बहुत सारे लोग विश्वास भी करते होंगे। आई तो बिलीव अ लॉट इन ऑल दीज थिंग्स, लाइक डिवोशनल चीज़ें होती हैं, डिवोटीज एंड ऑल, बहुत पॉजिटिविटी होती है, बहुत ही ज़्यादा। कीर्तन कराया था, काफ़ी अच्छा फील हो रहा है और बहुत ठंड लग रही है, पैर मेरे बिल्कुल बर्फ़ जैसे हो रखे हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा रजाई में डाल के बैठी हुई हूँ। भूख लग रही है बहुत तेज, मम्मी पापा ने खा लिया है खाना, चाय पकौड़ी वगैरह हो गया तो इस वजह से वो लोग नहीं खा रहे खाना, उनको दूध वगैरह दे दिया है, दवाई वगैरह उन्होंने ले ली है अपनी दोनों ने। तो मैं बनाऊँगी अपने लिए रोटी और दोपहर वाली सब्जी रखी है पनीर की, उसी से खा लूँगी। और मैंने खीर भी नहीं खाई आज पूरे दिन, मतलब खाई नहीं, बनी थी और मैंने खाई नहीं, तो कोई बात नहीं अब खा लूँगी। तो चलिए फिर इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। आज था 22 जनवरी, इतिहास का विश्व का सबसे यादगार दिन रहने वाला है ये आगे तक भी, और वी आर द लकीस्ट वन की इस दिन का जो इनॉग्रेशन है वो हमारे सामने हुआ है, हम उसके साक्षी हैं। तो दिस इज़ अ वेरी वेरी मतलब अपॉर्चुनिस्टिक थिंग दैट एवर हैपेंड टू आर जनरेशन। मेरे हिसाब से जनरेशन में यही एक अच्छी चीज़ हुई है, इसके अलावा तो बेफिजूल है सब। तो चलिए फिर इस व्लॉग को एंड करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको व्लॉग में कुछ तो थोड़ा बहुत पसंद आया होगा। जो भी व्लॉग में नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड और जय श्री राम।